आज का टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक था? 1530 से 56। 1530 से 40 के बीच में गैप रहा, फिर 55-56। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदखसा। हुमायूं अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया, तो कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया? काबुल और कंधार। अस्करी को संभल। सही है। हिंदाल को अलवर हाँ सही है, अलवर और मेवाड़। अलवर नहीं खे दिले, अलवर बा वो अपना चाचा के बेटा के दिले बा। चाचा के बेटा के बदखसा दिले बा। चौथा चचेरा भाई के दिलवा बदखसा, ओकर नाम रहले सुलेमान। हिंदाल तो कहिए ना, अलवर और मेवाड़ ओकरे तो अभी बतली सर। एगो तो खुद अथी हुमायूं, चारे भाई रहन सर। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना किया? दीनपनाह। चौसा का युद्ध कब लड़ा, किससे लड़ा? शेर खान 1539। हाँ, जीता कौन इसमें? शेर खान। मैंने चौसा युद्ध के बाद शेर खान किस पदवी ग्रहण किया, किस पदवी का ग्रहण किया? शेर शाह की उपाधि धारण किया। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? 40 में हुआ, दोनों के बीच में, शेर शाह और हुमायूं। शेर शाह जीत गया। इसके बाद थी हुमायूं कहाँ चला गया? अफगानिस्तान में। कितना दिन तक उधर रहा? 15 साल लगभग। हुमायूं ने हिंदाल हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से कब निकाह किया था? कब निकाह किया? 41 में निकाह के लग 42 में वो 1555 में हुमायूं ने पंजाब के किस सूरी शासक को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? आराम सा ना, अरे हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध का मतलब क्रम बताना है। पहले कौन लड़ा था, लास्ट कौन था? का युद्ध बचपन में। 1 जनवरी 1556 को कहाँ से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई? दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से। हाँ, हुमायूं गिरते गिरते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा था। किसने कहा था ये बात? इतिहासकार लेन पुल। हाँ सही है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? अब्दुल रहीम। सुश्री गुलबदन बेगम। वनिया से बता देता नहीं। हुमायूं किस में विश्वास रखता था जिसके कारण ज्योतिष सिंह? हाँ चलो, सातों दिन सात कलर के कपड़ा पहनता था। अब हुमायूं का क्वेश्चन खत्म, शेर शाह का स्टार्ट होगा। शेर शाह का कार्यकाल कितना से कितना था? 40 से 45। सही है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह। सूरी। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? 1484 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में। ना कानून 86 हुई, लेकिन दिल्ली में ना भरे, जगह बताओ। लो नारनौर। नारनौर हरियाणा में बा। नारनौर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में भरे। इब्राहिम का दादा हसन का बाबू, खुद।
परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का, मतलब इनके विचार के अनुसार शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? 72। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान। फरीद खान को शेर खाह की उपाधि किसने दी? अली कुली बेग। अरे लास्ट में लुहानी बा। अच्छा, बहार खा लुहानी। बहार खा लुहानी, महमूद बहार खा लुहानी। शेर खा के पिता का कहाँ के जमींदार थे? बिहार के सासाराम। जौनपुर कन्नौज के क्षेत्र सासाराम के। शेर शाह किस युद्ध के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा? बिलग्राम। हाँ सही, बिलग्राम सही है। शेरशाह की मृत्यु किसको, शेरशाह की मृत्यु किसको जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी? कालिंजर के किला। शेरशाह मृत्यु के समय किस अग्नियास्त्र को चला रहा था? अरे उसका नाम था उका। माने है कहाँ का शासक कौन था? हाँ, उस समय मैंने कालिंजर का शासक कौन था? किरत सिंह। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है? रोहतासगढ़ का किला। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है? शेरशाह का मकबरा। हाँ, दिखा दे। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसी ने कराया था, शेरशाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज। शेरशाह ने 178 ग्रेन किस चांदी का, मतलब क्या था? रुपया था, चांदी का रुपया। 380 ग्रेन तांबे का दान। शेरशाह ने शेरसुर नगर का कहाँ बसाया? शेरसुर नगर दिल्ली। रोहतासगढ़ के दुर्ग। शेरशाह के समय पैदावार का, मतलब कितना भाग या एक बटा? हाँ वही। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी। डाक प्रथा का प्रचलन सूरी। शेरशाह ने कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? 1941। सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया? इसी ने, मल्लिक। हाँ, शेरशाह सूरी। सब सही बा। अब मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? अब ये थोड़ी पूछती कि शेरशाह सूरी के समकालीन कौन था? ये वही है रोहिया, और ये ना होइए उनसे समकालीन। पांच छह तो आए बताइए सर, ये खाली से। चलो क्वेश्चन नंबर खत्म। अरे है तो, मतलब हमने जो पूछब तो पढ़ले नहीं सन कौन पहले अथी हो जाता नू कि मतलब क्या कह जला प्लान हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है पहले ही। आदमी जानते बा कि शेरशाह सूरी टॉपिक चलता तो आज के शेरशाह सूरी। चलिए, स्पीडी का हम लोग का टॉपिक था विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे नाटा। अच्छा, एक उधर नहीं हम हो पढ़ ले, हम कहीं क्यों पूछे के लगा। चलिए, तो आज एक टॉपिक था भौगोलिक उपनाम भारत तथा विश्व के। बताए लोग, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अगला क्वेश्चन बताइए लोग, पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी भारत की, हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेत नहर श्वेत नगर ग्रेट ग्रेनबीड बेलग्रेड बेलग्रेड चीन का शोक वांगहो नदी, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, उगते सूरज का देश जापान, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मनी हाइस्ट में है हेलसिंकी, नील का उपहार या वरदान मिस्र, नील नदी की देन भी कहते हैं मिस्र को, डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, ठीक है, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का धान का कटोरा क्यूबा, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ होगा, धान चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, भारत का पेरिस कानपुर पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़, भारत का पिट्सबर्ग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, यूरोप का मरीज तुर्की, सांपों का देश ब्राजील, पूर्व का वेसिन कोचीन, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष शहर भारत का बेंगलुरु, पिरामिड वाला देश मिस्र, किस सभ्यता से संबंधित है पिरामिड पत्थर लगाए गए हैं इतने बारीक से उसको रखे गए हैं कि उसके अंदर एक आदमी चाहे बाल घुसा देना तो बाल तक नहीं घुसेगा, जबकि उस समय कोई मशीन तक नहीं था, हाँ बहुत मतलब उसको व्यवस्थित तरह से, जबकि कोई उस समय मशीन नहीं, इंसान से उसका उतना बड़ा बड़ा बनाया गया है, आयोग पत्थर जो है इंसान की हाइट के बराबर का है कम से कम, उससे बड़ा बड़ा भी है, मतलब सोचो कैसे बनाया गया होगा 10 टन के लगभग। अगला क्वेश्चन बताइए लोग, अंडों की टोकरी किस देश को, सॉरी अंडों की टोकरी किस राज्य को कहते हैं, आंध्र प्रदेश, सब भारत का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन भी यहीं पे होता है, हाँ आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, खाली झींगा उत्पादन हुई तो मे भी खाली झींगा होता होगा, जो बोलो ना काकीनाडा रेलवे स्टेशन पर तो सार्क मारे खानी कौन कौन मछली के सार्क अरे सुन तो लो मतलब एथी टाइप के नमूना टाइप के स्टेशन पर लगा आता ना जबरदस्त मतलब साफ सफाई वहाँ काकीनाडा तू चाह के भी कहीं खा के बिक नहीं हो सकत जैसे कि देखो लोग देखे लगे कि क्या कर था इतना मतलब साफ सफाई वहाँ कि तू बिस्कुट खाता रहूँ तब जाके फेंक पाई कूड़ादान में और वहाँ कूड़ादान के इतना अच्छा व्यवस्था गीला कचरा अलग वो तो हालांकि सब जगह रहला लेकिन वहाँ लोग डाले ला गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग बोतल खातिर अलग सब अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग कहाँ थे, हाँ भारत का सोया प्रदेश सोया प्रदेश क्यों कहते हैं इसको सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन ही मसूर के सूतल रहता है, हम अभी तक सूतल ले हां वही से यही से पूछ लेनी है सोयाबीन तो उत्पादन से ऐसी कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का अखाड़ा किस किस देश को कहा जाता है ओसाका ये तो मैट्रिक में पढ़े रहे यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम कॉकपिट ऑफ यूरोप। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल केरल मसाला उत्पादन में पहला है केरल ही है ना सॉरी गुजरात आंध्र प्रदेश गुजरात मसाला उत्पादन में सबसे अधिक गुजरात मसाला उत्पादन करता है मसालों का राज्य केरल लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है देखो बताते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि मसाला
उगाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि केरल में है, लेकिन केरल का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना गुजरात का है, इसलिए उत्पादन सबसे अधिक होता है गुजरात में, ठीक है। और भारत जो है ओवरऑल सबसे अधिक उत्पादनों करता है, सबसे अधिक ठूसबो करता है, सबसे अधिक बेचबो करता है मसाला, गुजरात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग। हाँ, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, भारत की इस्पात नगरी, जमशेदपुर, किसको कंपनी की स्थापना कब हुई थी जमशेदपुर में? 1907 ना, 7 हुई, 7 भी तो हो सकता, हम गलत हो कि। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन बेसिन, पुणे। फलों की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा, बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स कहाँ है? सॉरी, किस पहाड़ी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स? नीलगिरी की पहाड़ी को। पवित्र भूमि का देश, वहाँ पे एक मस्जिद है, उसका का नाम था, हम पढ़ा, जेरूसलम, उसका नाम क्या है, मस्जिद वगैरह याद है? विश्व विख्यात मक्का मदीना ना, अरे याद नहीं है, चलो। मोतियों का द्वीप, आयरलैंड, मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप, आयरलैंड। आंसुओं का द्वार, बाब अल मंडब। पूर्व का मैनचेस्टर, जापान का शहर है ओसाका। उसके बाद बताइए लोग, प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया। क्यों कहते हैं इसको प्यासी भूमि का देश? रेगिस्तान खाली, सबसे अधिक रेगिस्तान है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बताइए लोग, ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी कि अंध महादेश, आयरलैंड, अंध महादेश, अफ्रीका, अफ्रीका। उसके बाद बताइए लोग, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी, हाँ होगा वेनिस। हजार हाथियों की भूमि, ये होगा लाओस, ठीक है। चलिए, तो कल का टॉपिक रहेगा विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और पर्यावरण, ठीक। कल दो टॉपिक रहेंगे इससे स्पीडी से। अब चलिए, कुवतुल इस्लाम मंदिर का, कुवतुल इस्लाम ना, कुवतुल इस्लाम ना, ना रहे उनका नाम, अच्छा बाजी। बताए लोग, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, नवाजा मंजू, लांस नायक मंजू, लांस नायक मंजू। इटली की पीएम कौन है? मार्कोनी को ना, जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की प्रथम महिला पीएम बनी है। वर्तमान में भारत का सीजीए कौन है? भारती दास नहीं है, चेंज हो गई है, चेंज हो। अब क्या उनका नाम है हमको याद नहीं, अब खोजेंगे तब मिलेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को रहने दिया जाए। भारत के कोई जेंट्स बने हैं इतना पता है, लेकिन अब खोजने पर जल्दी मिलेगा नहीं, तो इसको रहने दिया जाए, फिर आ जाएगा आगे। इसको कोपचे में रखा जाए, छोड़ दे रही बंदा करता छोड़ देता नहीं, बाकी ना मिली। चलिए, तो भारती दास नहीं है, एक नया आदमी बने हैं, उनका नाम अभी याद नहीं है, याद हो जाएगा। वर्तमान में फ्रांस के किस वर्तमान में फ्रांस का फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस के नहीं पता होगा, बता दें, एलिजाबेथ बॉर्न, ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाँ, किस देश को एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड दिया गया है? भारत को, भारत को, ठीक है।
वाइस चांसलर चूर हुई क्या है? ना वाइस द मत खोजना मिली हुई थी वो इंटरनेटों पर बाद में अपडेट हो गया। बताइए परदेशी जी, टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? रोहित टी मल्टीप्लाई टू टाइगर रिजर्व टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। हाँ इस क्वेश्चन पर तो हल्का सा हमको डाउट है क्योंकि शायद फिर दूसरा अवार्ड को दिया गया है अब वो एग्जैक्ट हमको याद नहीं लेकिन अभी यही माना जाए 2022 के लिए शायद ही ना 2022 में इसी को माना जाए हाँ शायद नायक और किसी को दिया गया है तो अभी उसका अभी याद नहीं है देख लिया जाएगा। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? आशा पारेख तो 53वां बैग रे दादा साहब फाल्के दिया गया इनको व्यास बजाज इनके टाइटल में बजाज है तो बता दीजिए लोग असगर बजाज को वजाहत तुम शायद हम गलती देखे तब 31वां ब्याह समान अजगर वजाहत तब वजाहत सी जी गिरीशचंद्र मुर्मू बालन बताब हमरा रहे दादी उसके बाद आइए लोग तो 31वां ब्याह समान किसको मिला है? असगर वजाहत। रेत की समाधि पुस्तक किनका है? रेत की समाधि इनकरे तोगा एथी उनकरा मिलल बटे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। हाँ अरे गीतांजलि श्री इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट अब ऑप्शन नहीं तो नाम हम इन सरों ने खेली खेले अरे वो दिन बहुत याद नहीं किया हमरो आवत इन सर लिख लेने कुछ ना लिख के छोड़ दे बनी चल याद नहीं आ रहा है काल मतलब पढ़े हैं लोग लेकिन याद नहीं आ पाया। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? दीपक दास बरो डोनी पोलो एयरपोर्ट तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश ठीक है डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई किस राज्य ने इस योजना को शुरू किया है? तेलंगाना ठीक है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? फ्रंटियर। दूसरा फुगाकू जो कि जापान का था इसके पहले। भारत का सबसे तेज परम 8000 तेज मतलब सुपर कंप्यूटर परम 8000 सुपर सोनी सिद्धि AI जो कि विश्व में इसका स्थान 111 हवा विश्व में 111 हवा परम 8000 लेकिन पहले होगा इसके पहले होगा। अमेरिका ने किस देश को हिमार्स नामक रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिया है? अमेरिका दे ले बे ताइवान रूस के कहे अमेरिका ताइवान यूक्रेन को हिमार्स नामक रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिया है। इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? IAF हेरिटेज सेंटर मैसूर पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ राजधानी। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? जापान MP देवों की नगरी उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन तीन चार दिन पहले हुआ था। हाँ नहीं गला था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर इसी दिन और कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुरुष दिवस। हम लोगों का दिवस पुरुष दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? 2013 से ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च ठीक है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 किस क्रम का था? सर्वेक्षण 2023 किस क्रम का था? पता ना दिमागे पर नहीं खेल होता कुछ बुझाते थे जैसे फर्स्ट बार क्वेश्चन सुना था नहीं तेले कब से शुरू हुआ था? स्वच्छता सर्वेक्षण 16 से शुरू हुआ था। 16 में पहला 17 में दूसरा 18 19 20 21 22 23 आठवां। हाँ 16 में पहले का दिया गया। ये नो
गांधी 2 अक्टूबर से स्टार्ट करे अरे स्वच्छता स्वच्छता में इंदौर फर्स्ट आवेला स्वच्छता अभियान की शुरुआत मतलब कब हुआ था लगना पहुंचा ठीक से 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरुआत कब तक चला था कब तक इसका एक अथी खत्म हो गया है अब दूसरा चल रहा है 18 तक चला 2 अक्टूबर 2019 तक एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली प्रथम महिला एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली प्रथम महिला टेबल टेनिस मोनिका बत्रा जो कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक शहर में मोनिका बत्रा इसने ब्रॉन्ज मेडल जीती कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ था 22 का ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे हरनाथ संधु मनप्रीत सिंह पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह और समापन समारोह में समापन समारोह दीपिका पादुकोण एगो बॉक्सर एगो टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल का एगो शरद कमल एगो बॉक्सर कौन एगो बॉक्सर पंचायत आता है टीवी पर टीवी तो हमारे घर है मतलब मोबाइल पर आता होगा यार अरे सुशील कुमार निकहत जरीन एक पेज और पूछ लें तो कतना बार हो गया थॉमस कप का आयोजन थाईलैंड में हुआ जीता कौन भारत रनर अप इंडोनेशिया किस खेल से संबंधित है थॉमस कप रोहित बताएगा हाँ परसी बताओ पवन थॉमस कप बैडमिंटन बैडमिंटन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है 56 में नहीं है ना 53 में अनुच्छेद 54 निर्वाचन की विधि है क्या 56 में शायद हो सकता है विधि 56 में ना होगा 55 में होगा शायद अगला क्वेश्चन बताइए लोग एयरफोर्स का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया चंडीगढ़ एयर फेस्ट दिल्ली संतरा नगरी थी बोला संतरा नगरी पुणे ना ना आई चंडीगढ़ नागपुर नागपुर एयरफोर्स का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया गया ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया उड़ीसा कई बार हो चुका है क्वेश्चन बताइए लोग जहाँ पे 44वां चेस ओलंपियाड हुआ था शतरंज ओलंपियाड साउथ कोरिया का यार 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था कौन क्वेश्चन हुआ है चेन्नई तो 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था और क्वेश्चन कहा था हमारा और क्वेश्चन था कि ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन भी चेन्नई में ही किया गया वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है विश्व क्या कह देगा टेलीविजन के 25 जून अरे जॉन भी कहा था 21 नवंबर 19 नवंबर के तो शौचालय दिवस हो गए शौचालय से आगे टीवी देखा जा नेक्स्ट क्वेश्चन 5G का शुभारंभ भारत में 5G का शुभारंभ कब किया गया 2023 में कि 22 में 1 अक्टूबर 2022 को कहाँ से तो राजस्थान से जहाँ पे वो शंकर भगवान के मूर्तियाँ है का नाम है जगह का शंकर जी के नहीं नहीं याद है चलो अगला क्वेश्चन बताइए लोग विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल विश्व रेडियो दिवस जनवरी में बताओ भारतीय महिला दिवस उसी दिन मनाया जाता है 24 जनवरी सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन अब कितना हिंट दी 24 जनवरी 13 फरवरी तेरह कौन सा
चलिए 20 वर्ल्ड टेलीविजन डे तो बता दिए, अब बताइए 20 टीवी दिवस बताइए लोग। 20 टीवी दिवस, ट्यूबर क्लोसिस डे। हाँ हाँ, 20 नवंबर फरवरी में हुई टीवी दिवस। मार्च में 24 तारीख को, 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अपना में सीतामढ़ी। हाँ, सीतामढ़ी नाम है बस, सीता 251 फीट फीट मीटर ना। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जबलपुर ना। हाँ जबलपुर, सीतामढ़ी। अच्छा दूतावास, हाँ। तिरपनवे फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? रोहित बताओ, शायद रामचरण के पापा उनका दून। चिरंजीवी को पद्म भूषण कब दिया गया था? 2006। पद्म भूषण में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपये। पद्म विभूषण में पद्मश्री में 7.5 लाख। आपको जानकर खुशी होगा, नील बटा सन्नाटा। चलिए, तो यानी कि इन सब कोई भी किसी भी पद्म पुरस्कार में राशि नहीं दी जाती है, बस केवल पुरस्कार लीजिए अपने घर जाइए। अगला क्वेश्चन बताइए लोग, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लोग, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 168। नया क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कहाँ किया गया? बेंगलुरु। ऑप्शन हिंट्स दें, हिंट्स दें तो आंसर बताएगा पहले तू बताओ। दूसरा वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वहां तक चला है, जिसका आंसर होगा बनारसी होगा। दिल्ली से बनारस पहला चलता, दूसरा दिल्ली से कटरा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कटरा में। ATP फाइनल टूर्नामेंट का विनर कौन रहा? ATP टेनिस के पर्सन टेनिस। अरे ग्रैंड स्लैम बहुत जीते रहा नोवाक जोकोविक। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछा था? जेसीबी मतलब इसका तो पता ना, लेकिन जेसीबी अवार्ड पूछा है किसी एग्जाम में बोला हो जेसीबी से। खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में है? बताओ रोहित, किस अनुच्छेद में भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का पदेन सॉरी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? 53 में थोड़े 52 में तो राष्ट्रपति जी बारे 61 63 है, 61 में तो राष्ट्रपति का महाभियोग बा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताए लोग, 63 में उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति का पद, और 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एडवोकेट जनरल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? एडवोकेट जनरल राज्य का 226 में, बता अब आता ना 213 में क्या है पहले बताइए लोग। 226 में, हाँ 226 उपराष्ट्र ना राष्ट्रपति का हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 का। हम पूछे एडवोकेट जनरल 165 है,
भारत का महान न्यायवादी बहुत छिहत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है? क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 100 वो दिन बताइले रह तू शायद 110 में तब भाऊ वेथी बता दो बेटा ही का कह चला अरे हु 164 फाइनेंशियल बिल 166 266 110 में का बताइले हटे भी हम संचित निधि ना ना वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि अथी भाग बजट बजट हां संचित निधि 266 आकस्मिक निधि 267 अगला क्वेश्चन बताइए लोग विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिशरी डे 17 अप्रैल जैसे टीवी देखल जाला वही दिन 21 नवंबर ठीक है। शत्रुनाश एक अभ्यास है जो कि भारतीय सेना की क्या बोलता हूँ हम एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन तवांग युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तवांग झील है ना है शायद हाँ तवांग युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष कौन है? खादी और ग्राम उद्योग विनीत कुमार। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है रोहित बताओ? सूरत में राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।